Hi guys, welcome back to my channel. So this is going to be a study vlog, a day in the life of NEET aspirant. So start karte hain. So main ek regular school going student hu, to main abhi school se aayi thi thodi der pehle. So main school se ghar pe 12 baje ke aas pass pahunch jati hu and main aapko time dikha deti hu. Abhi time ho raha hai. You can see time is about 12:30 PM. तो 12:30 हो चुके हैं. करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट जल्दी से. सबसे पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है दिन भर. एंड मैं बताना चाहूँगी, मैं क्लास 12th में हूँ. मैंने PW का लक्ष्य बैच जो है वो परचेज़ किया हुआ है, तो 4 बजे उसकी क्लासेस होंगी. तो जो भी सेल्फ स्टडी है मैं 4 बजे से पहले करने की कोशिश करूँगी. सो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट. सो दिस इज़ माय टू डू लिस्ट. सो स्टार्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग. सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर रिवाइज करूँगी मैं. सो चलते हैं. तो गाइस, जनरली मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती हूँ. मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है शॉर्ट नोट्स बनाने का. सो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे बने हैं. वैसे मैंने कभी बनाए नहीं थे, पहली बार मैंने बनाए हैं, वो भी फिज़िकल केमिस्ट्री के. सो इसमें मैंने थ्योरी हो चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी मेरे नोट्स में, पंकज सर के लिखवाए हुए नोट्स में, वो सब मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज करना. मोलारिटी NB वाइवी सॉल्यूशन मीटर, मोलारिटी NB वाइवी kg. एंड यहाँ पे मैंने स्टॉपवॉच भी स्टार्ट कर दिया ताकि मैं देखती रहूँ, रिकॉर्ड रखूँ कि हाँ मैंने आज कितनी देर पढ़ाई की इफेक्टिवली. सो आगे चलते हैं गाइस. आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप रेगुलर गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आपने डम्मी ले रखी है अपने स्कूल में. बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे डम्मी कहीं पर भी नहीं मिली. इफ़ यू हैव डम्मी स्कूल, आई होप यू आर सो लक्की. आपको बहुत टाइम बचता होगा प्रिपरेशन के लिए. एज ए चैप्टर मैंने सुबह रिवाइज कर रखा था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. मेरा 4 मिनट से 5 मिनट में ही रिवाइज हो चुका है चैप्टर. सो अभी नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं. सो मेरा फर्स्ट जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है. सो आई एम गोइंग टू कट इट. नाउ आई एम थिंकिंग टू डू एनाटॉमी चैप्टर 6. सो दीज आर माई नोट्स एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये नोट्स मैंने यूट्यूब से बनाए हैं कॉम्पिटिशन वाला पे, रफ्तार सीरीज से पे एक मैम है, मुझे अभी फ़िलहाल उनका नेम नहीं याद आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस चैप्टर को पढ़े. सो उनसे ये नोट्स मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो. सो आई विल बी रिवाइजिंग दीज नोट्स और जितना टाइम लगेगा मैं आपको दिखा दूँगी. एंड वन मोर थिंग, ये जो नोट्स हैं इनको मैं काफ़ी टाइम के बाद रिवाइज करने जा रही हूँ. 6-7 महीने से आई गेस ऊपर हो चुके होंगे. सो एक बार के लिए चैप्टर आई गेस मुझे बहुत मुश्किल से समझ आएगा दोबारा से. सो शायद इसमें रिवीजन में मुझे सोल्यूशन से तो ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा. सो मिलती हूँ आपको रिवीजन के बाद. गाइज, आप लोग शॉर्ट नोट्स बायो के भी बनाते हो? अगर बनाते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. बिकॉज आई एम थिंकिंग कि बायो के शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं क्या. मेरे को तो बायो में हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, तो ये बात मुझे ज़रूर बताना. अगर आप बनाते हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे. तो यहाँ पे मेरा रिवीजन हो चुका है. सो मुझे 20 मिनट्स हो गए हैं पढ़ते पढ़ते. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैंने इतना जल्दी रिवाइज कैसे किया, तो मैंने कल इसका माइंड मैप सीरीज जो है कॉम्पिटिशन वाला पे, वहाँ पे इस चैप्टर की मैंने वीडियो देखी थी, तो उसकी वजह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट मुझे अभी याद हो गया था. तो मैंने जस्ट एक बार नोट्स गो थ्रू किए हैं. अब आई थिंक ये चैप्टर पक्के से मेरे दिमाग में बैठ चुका है. तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे टास्क क्या है हमारा. सो यहाँ पर हमारी जो वेट अ मिनट गाइस, मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे. एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो चुकी है. अब हमें या तो बॉटनी का बैकलॉग कर सकते हैं या फिर फिज़िक्स का बैकलॉग कर सकते हैं या शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. वेट, यहाँ पे मेरी
आम की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई थी. ओके, सो आई एम थिंकिंग टू डू द बैकलॉग ऑफ बॉटनी. सो करते हैं. आई गेस लक्ष्य उसको तो पता होगा हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो अभी मैं आपको वो तो नहीं दिखा सकती लेक्चर लगाते हुए खुद को, बिकॉज जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे उसी पे लेक्चर लगाना है, उसी पे मेरा PW का ऐप है. सो मैं आपको बता देती हूँ कि येस आई एम स्टार्टिंग टू डू द बैकलॉग ऑफ बॉटनी. सो आई विल मीट यू व्हेन आई विल कंप्लीट द बैकलॉग. सो बाय. सो आई एम डन विद माई बैकलॉग एंड अभी मुझे पढ़ते पढ़ते 41 मिनट्स हो चुके हैं. एंड बैकलॉग में मेरे कुछ बस नोट्स बनाने रहते थे जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं. एंड अभी टाइम हो गया है 1:20 बजने वाले हैं लगभग, तो हम मान सकते हैं कि 1:30 बज चुके हैं. सो मेरे पास टाइम बचा है अभी 4 बजे हमारे पास क्लास है, तो 2.5 घंटे में बस हैं अभी पढ़ने के लिए, तो पढ़ते हैं अभी कुछ. तो गाइस मुझे काफ़ी देर हो चुकी है फिज़िक्स का बैकलॉग ख़त्म करते करते, पर ये बैकलॉग है कि ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा. सो आप देख सकते हो 1:40 यहाँ पे मुझे हो चुके हैं ख़त्म करते करते, पर अभी तक मेरा बैकलॉग फिनिश नहीं हुआ है. आई एम स्टिल राइटिंग द नोट्स ऑफ 9th chapter एंड अभी मेरा 10th chapter बोल रही हूँ 9th lecture एंड अभी मेरा 10th lecture पड़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का. सो मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ. सो आई विल मीट यू जब मेरा 10th lecture भी ख़त्म हो जाएगा, देन आई विल प्रोसीड फर्दर फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. इसीलिए मैंने उसके ऊपर एक स्टार मार्क बनाया था कि अगर टाइम मिला तो वो हम कर लेंगे. तो गाइज यहाँ पे फाइनली मेरा 10th lecture इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ ही मेरा फिजिक्स का बैकलॉग भी बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ है. सो पढ़ते पढ़ते टाइम हो चुका है 2:18. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक. अब मैं ब्रेक लूँगी, लंच करूँगी, देन सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लें, जैसे मेरा जो शॉर्ट नोट्स का टास्क है वो भी पेंडिंग है वो कर लें, देन उसके बाद मैं सीधा अब लाइव क्लास भी पढ़ने बैठूँगी. सो हम यहाँ से यहाँ पे इसे काट देते हैं. बैकलॉग ऑफ फिजिक्स फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट एक ये बचा है, इसे हम आफ्टर लंच ख़त्म करेंगे. सो मीट यू आफ्टर लंच, बाय बाय. सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करके खुद को DPP करते हुए मैंने अपने फ़ोन पे सेंड कर लिया. प्रॉब्लम ये आ रही थी कि व्हाट्सएप पे जब सेंड कर रही थी क्वालिटी लो हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा क्वालिटी का. अभी थोड़ी देर में समाप्ति मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है. सो आई एम रिवाइजिंग चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बार, क्योंकि पिछले वीक ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, इसके 2 lecture कंप्लीट हो चुके हैं एंड आज इसका 3rd lecture है. और आज फिजिक्स की क्लास भी कैंसिल हो गई है, इसीलिए ये वाली क्लास जो है वो 1:45 की चलेगी. सो यहाँ पे जूलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है. सो चलो पढ़ते हैं जूलॉजी एंड बनाते हैं नोट्स. तो यहाँ पे जूलॉजी की क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है एंड मेरे नोट्स भी साथ साथ बनाए हैं. अब आई एम थिंकिंग कि मैं अब इसकी DPP भी साथ के साथ ही सॉल्व कर लूँ. तो ये रहा एक छोटा सा शॉर्ट मेरे नोट्स का. सो नाउ आई एम सॉल्विंग द DPP ऑफ जूलॉजी. तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी सिली मिस्टेक से, पता नहीं कैसे मैंने कर दी. मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया. तुम लोग हंसोगे मेरे पे कि मैंने क्वेश्चन कैसे रॉन्ग कर दिया. हो जाते हैं कभी कभी सिली मिस्टेक. सो टाइम हो चुका है यहाँ पे 5:51 एंड 8-9 मिनट में पंकज सर की क्लास है. पहले मुझे लगा था कि आज पंकज सर की लास्ट क्लास है, क्योंकि सर ने बोला था कि इसके बाद अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, बट सर ने क्लास के एंड में अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब सर हमारे जो वो आगे कंटिन्यू करेंगे सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री के साथ. तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है लेक्चर. तो मुझे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते 6:05 हो चुके हैं. सो अभी यहाँ पे मैं ब्रेक लेने वाली हूँ बिकॉज मैं पूरा थक चुकी हूँ. सो अभी आप टाइम देख सकते हो 7:38 PM हो गया एंड मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठूंगी 8 PM पे. सो इट्स गोना बी माय ब्रेक. सो बाय. सो यहाँ पे 8 बज चुके हैं एंड मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ. एंड अब मेरा नेक्स्ट टास्क है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना. सो मैंने लाइन भी खींच लिया पेज पे एंड यहाँ पे मेरे शॉर्ट नोट्स
कुछ कुछ तैयार हैं ना, कुछ अभी पढ़े हैं बिकॉज मम्मा ने डिनर के लिए आवाज़ दे दी थी। तो डिनर करने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किया एंड आई एम नॉट एबल टू शूट इट।